2 और 3 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस कांड को 38 साल पूरे हो चुके हैं। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुए गैस लीकेज की वजह से हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। गैस कांड की 38वीं बरसी पर भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी श्रद्धांजलि साइकिल यात्रा निकाली गई। रैली का शुभारंभ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि 1984 में यूनियन कार्बाइड से रिसी जहरीली गैस की वजह से आज भी कई लोग पीड़ित हैं और असमय मौत का शिकार हो रहे हैं। जो हादसे के वक्त जीवित बच गए वो आज फेफड़े, गुर्दे और बाकी अंगों से जुड़ी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा मरीज कैंसर के हैं। यदि उस समय डॉलर का जो जिसमें मुआवजा मिला उसका रुपए के रूप में जो अवमूल्यन हुआ है तो उसको यदि जोड़ा जाए तो मुआवजा कितना होता है। यदि गैस पीड़ित को जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो मानसिक क्षति पहुंची, उनके कैरियर को जो नुकसान हुआ, यदि गैस पीड़ित के जो वहां पे जो जहरीले रसायन पड़े हैं उसमें जो जहरीला पानी पिया, इसके अलावा जो गैस पीड़ित के जो अनुवांशिक रूप से अगली पीढ़ी को जो असर है, तमाम सारे इन खर्चों को जोड़ा जाए तो कम से कम 50 लाख रुपए गैस पीड़ित का मुआवजा।